सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, खबरों का सिलसिला जारी। ग्रामीणों ने काला बाजारी करने वाले का किया पर्दाफाश, रंगे हाथ पकड़े। मौके पर पहुंची पुलिस। मामला आजमगढ़ फूलपुर तहसील से सटे ग्राम सभा अदमामऊ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरकारी बच्चों का पुष्टिहार रात के अंधेरे में चोरी छिपे खरीद कर ले जा रहा युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। लगभग एक कुंटल चना दाल, दलिया, तेल ग्रामीणों ने पकड़ा। अदमामऊ के रहने वाली आंगनबाड़ी में सहायिका पद पर तैनात पूनम राय, पति महेंद्र राय, जो कि बच्चों में निःशुल्क वितरण पुष्टिहार से जुड़ा सारा सामान आता है, जो बच्चों में वितरण ना करके बल्कि पूनम राय द्वारा एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष के बच्चों का हक मार के रात के अंधेरे में बेचा जाता है। हालांकि ग्रामीणों ने इस मामले में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया था। ग्रामीणों ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भटनीपारा के रहने वाले इंद्रसेन यादव, जो सदरुद्दीन में खुद की किराने की दुकान चलाता है, सहायिका पूनम राय के घर से इंद्रसेन यादव सरकारी पुष्टिहार खरीद कर घर भटनीपारा ले जा रहा था कि दो पहिया वाहन से बार बार आना जाना देख ग्रामीणों ने इंद्रसेन यादव का पीछा किया और पीछा करते हुए सदरुद्दीनपुर से आगे लगभग 150 मीटर की दूरी पर धर दबोचा। ग्रामीणों ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। इसी बीच चौक से पहले युवक को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने पूछना शुरू किया तो बोरी में क्या है, इंद्रसेन ने सच्चाई बताने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ग्रामीणों ने बोरी खोल कर देखा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। कहा कि बच्चों को तो पुष्टिहार नहीं मिलता, लेकिन कालाबाजारी करने वाले को सबसे पहले मिल जाता है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे, वही अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध कालाबाजारी किया जा रहा है। सरकारी पुष्टिहार पकड़े जाने पर एक कुंटल चना दाल, सोयाबीन तेल, 60 पैकेट दलिया अधिक मात्रा में पाया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फूलपुर कोतवाली में दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सरकारी पुष्टिहार को कब्जे में लेकर फूलपुर कोतवाली आई। मौके पर पूछे जाने पर पुलिस द्वारा कहा गया कि जांच करने के बाद होगी कार्रवाई, लेकिन सच्चाई साफ झलक रही है कि फिर भी पुलिस प्रशासन खामोश नजर आती है। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। भागने की जरूरत थोड़ी लगी, आप कितना रहे हैं, भाग रही हैं। लाइव लाइव करिए तो बगल जाओ, निकलने दो। अरे कोई धांधली का हद होता है यार, हम कह रहे हैं कि ये रास्ता दूरी पर एफ आई आर चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बच्चों का पौष्टिकाहार में बर्दाश्त नहीं है, सरकार चोर थोड़ी नहीं है। मैडम जी, सरकार चोर है सब और कहते हैं, सर हमें सरकार से गुजारिश, एफ आई आर चाहिए। एफ आई आर होगा तो उससे तो बात करिए, अब इसी चीज को पूछ रहे हो। चोरी का माल हम ही चोरी किए हैं, कहाँ जा रहे हैं, देखे नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ। यही चीज तो क्लियर करवा लीजिए। आपके विवाह का माल बड़ा मत बोलिए, महिला है, बड़ा मत। अरे महिला हम भी कह रहे हैं, उनको बुला लीजिए। मैडम उनको बुला लीजिए, हम कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। उनको तो बुला लीजिए, जो बेचा उनको तो बुलाइए। पहले मैं बता रहा हूँ कौन बेचा है ना, गया होगा ना, आएगी ना, सब आएगा। 2 घंटा हो गया यहाँ सर, जो बेचा है जो बेचने वाले वो सब, उनको बुलाइए जरा। इसका माल है, हम क्या जाने। सर हम बता रहे हैं ना, मैं देखा हूँ ना, मैं अपने आंखों से, मैं खुद पकड़ा मैडम, बच्चों का बाल बिकने नहीं दूंगा। सरकार चोर है इसलिए सब कहते हैं ना, बड़े हो तो बुला के ले आओ। मैडम प्रशासन है ना, कौन बुलाएगा, प्रशासन में है ना, सरकार चोरी बना रहे हो ना, बेच के। कौन बुलाएगा उसको, मैं बुलाऊंगा, कब मैं बुलाऊंगा सर, प्लीज एक मिनट मैडम से बात कर लीजिए। नहीं नहीं मैडम, कौन नहीं, कौन बुलाएगा, मैं पूछ रहा हूं मैडम। चोर है, एक आते हैं आने के नहीं गया सर, चोर पकड़िए, पकड़ने के बाद मैडम मिली है। हां मैडम जी मिली है, सही बात है, मैडम जी मिली है, मतलब मैडम जी मिली है, सही बात है, मैडम जी को दिक्कत हो रही है, मैडम जी मिली है, मतलब हां मैडम जी ली है पैसा, कसम खाएंगे आपकी पैसा। तो फिर आप क्यों, आपको मिर्चा क्यों लग रहा है फिर आपको।
मेरा काम है, आपका काम बता दीजिए इनको, बताइए मेरा काम है। मुकदमा लिखा सब पकड़ मार, मुकदमा लिखाएगा ना? हां लिखाने तो पकड़ मार दीजिए, मुकदमा उस पे लिखना चाहिए बस। भाई पकड़ मार दीजिए, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुकदमा उस पे लिखवा दीजिए। कार्रवाई होगी अभी, एक ही इनका हद हो गया समझ लीजिए। सुना है बाबा, यानी सर आप मैडम, हम भी चाटा खाए इसके चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में खाए। हमारा बच्चा है, बच्चा मर रहा है इसके चक्कर में, समाज का बच्चा है ये भी। गलती हो गई, गलती हो जाती, लेकिन आप इस हिसाब से लिखा है बाल विकास शुष्क आहार विभाग उत्तर प्रदेश। मैडम मैडम ब्राह्मण की बड़ी इज्जत करता हूँ माता जी, मान सम्मान हो, लेकिन थोड़ा सा क्या गलत तो गलत भी आ गए माता जी, हम माँ के समान है, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे। नहीं मैडम जी, कुछ सर मैडम से सोचा दीजिए, मैडम कैलाश मेट्रो ले तो खींच लेते नहीं 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 खींचो जरूर ललक भैया, ये देखा काहे के जाए था भैया, सरकार चोर ही हो, साबुत दे थी ना चोर, ये तो चोरी का मौके पर मौजूद हम लोग हैं जी जी, आपको वीडियो हमारा बना ले, वीडियो हमारा। ये हमारे द्वारा पकड़ा गया माल, व्यापारी भाग रहा था, मैं व्यापारी को लाख पकड़ने की कोशिश किया, व्यापारी भाग गया, कुछ पहचान में आ रहा था। और ये हमारे फूलपुर रोड चौराहा सदरुद्दीनपुर फाटक से लगभग 100 या 200 मीटर के आगे की कहानी है, ये भाटिनपारा गांव नियर बाय। ये हमारे आम पब्लिक है जो माल पकड़े जी जी, सुरक्षा प्रोवाइड करा देंगे तो सर क्या हमारे सवाल जवाब सर देंगे? सुरक्षा भी प्रोवाइड हो गया, अब वो उनकी मर्जी है, देंगे न देंगे हम कैसे बता सकते हैं। आप मौके पर आए, आपको मोबाइल सूचना मिली है? मोबाइल पहुँचाए तो आप मौके पर जब आए इसको आए देखा हूँ सामान कब जब ले रहा है तो सामान सर विभाग का है, इसमें सर लिखा है बाल विकास इसकी जांच पड़ताल होगी सर, सरकारी माल है ये, कहाँ जा रहा सर आपको जानकारी सर मिली है? अभी सर आप लगभग 1 घंटे सर आप आए हैं, जो है काफ़ी यहाँ भीड़ भी लगी, दर्शकों को दिखा रहे जो है काफ़ी यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो सर आपने यहाँ माल पकड़ा है तो सर क्या अपनी जांच पड़ताल से आपको समझ में आया कि सर अभी ये माल कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है? अब इनकी बताएंगे सर भाई, अभी तस्दीक की जाएगी कि वास्तव में है कहाँ, मतलब वास्तव में सही में निष्पक्ष बताइएगा सर, हम आपसे उम्मीद है कि आप निष्पक्ष जांच करिए और निष्पक्ष बताइए, क्योंकि सर हमारा प्रश्न है बच्चों का सर, इज्जत की बात नहीं है, हमारे समाज के इज्जत की बच्चों की बात है, उसमें भविष्य हमारा और आपका सबके बच्चों का है सर। सर हम आपसे सवाल पूछेंगे, हमें सर आपका निर्णय चाहिए सर आपसे, निर्णय होगा सर, अगर आप निर्णय नहीं होंगे तो सर हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों नहीं आम जनता का बच्चों का सर क्या होगा? सभी पढ़ रहे हैं, सभी की दिक्कत आ रही है। तो सर ये बात सर आज तो बात नहीं है, चलो आज हमने पकड़ लिया, मैंने आज पकड़ा सर, ये 4 साल पहले से भी होता है, माले नहीं आ रहा है सर, गवर्नमेंट दे नहीं रही है, सरकार चोर है, मतलब तो सरकार को क्यों दोषी करना, जो आप बेच रहे हो आप सब कुछ कर रहे हो तो सरकार को क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी ने शपथ लिया था जो है, उन्होंने साफ कहा था डोले भ्रष्टाचार मुक्त, आज सरकार योगी जी की है सर, दोबारा उनकी सरकार प्रोवाइड हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सर इन्होंने काफ़ी बार इन्होंने एडवाइस कर दिए। आप सर मौके पर आए, क्या तत्काल में किसी की गिरफ्तारी हुई है इस संबंध में? गिरफ्तारी नहीं हुई है जिससे कार्रवाई क्या इस संबंध में सर, यहाँ सर मैं आपसे अपील करता हूं आप FIR करिए, आशा समूह से रहे संबंध में सर जो भी क्या पुलिस जांच पड़ताल कर ली जाएंगे, होगी कार्रवाई होगी, तो क्या सर उम्मीद लगाई जाए कि सर निष्पक्ष सर आशा रखें? सर आपसे मेरा बहुत उम्मीद होगा सर, आप ऐसा काम करेंगे अगर तो जी सर।